हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पाइथन का है और पाइथन में एक ऐसा प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें हम लिस्ट की बात करेंगे और लिस्ट में भी एक लिस्ट बनाएंगे हम और उसमें बहुत सारी वैल्यूज लिखी होंगी, बहुत सारे नाम लिखे होंगे और उसमें से हमें सिर्फ हर बार सेकंड वाला नेम प्रिंट कराना है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो हर बार इवन वाला नंबर हमें प्रिंट करके दे देगा, इवन वाले नंबर पे लिखे हुए नाम प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक वेरिएबल ए बना लेता हूं, ए बना लिया हमने और इसमें एक लिस्ट प्रिपेयर करता हूं मैं। जैसे उसमें कुछ नाम लिख दूंगा, जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया राज, यहां लिख दिया कॉमा दिया राज और फिर यहां लिख दिया राजू, सिंगल डॉटेड कॉमा या डबल डॉटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां कर दिया मैंने श्याम, ठीक है। फिर यहां पे कर दूंगा रमेश, ओके। मैं फिलहाल एक और नाम लिख लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं कुमुद, ये एक और नाम लिख दिया हमने। और अब इस लिस्ट को बंद करने की बारी है, तो यहां से अब इस लिस्ट को कर देंगे क्लोज, ठीक है। यानी इस लिस्ट में कुछ नाम हमने एंटर करवा लिए हैं, ठीक है। अब इन नामों को एंटर करवाने के बाद हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि हर बार जो ये सेकंड वाला नेम है, जैसे मान लीजिए पहला नाम है राज, फिर दूसरा राजू, फिर यहां पे तीसरा श्याम है, चौथा रमेश, तो ये नेम प्रिंट होकर आए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं और यहां पर एक वेरिएबल बना लेते हैं आई और आई में स्टोर करा देते हैं जीरो, ये जीरो स्टोर करा दिया हमने। अब यहां पे लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगा दिया हमने और फॉर लूप पे क्या देंगे हम, यहां पे दे देते हैं फॉर। एक और वेरिएबल हमें बनाना होगा, जैसे मान लीजिए मैं बना लेता हूं नेम, नेम नाम से एक वेरिएबल बना लिया, लिखा यहां पे नेम फॉर नेम इन। आप देखिए जो वेरिएबल का नाम है वो ए है, यहां ए दे दिया, ठीक है, नेम इन ए कर दिया, रेंज नहीं लगाया हमने, ठीक है। यहां पे आए, अब क्योंकि हमने बनाया है ए नाम से, ठीक है, और एक वेरिएबल आई भी बनाया है, ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये कर दिया हमने और फिर एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन दे देंगे, इफ आई, इसको मॉड्यूलो करवाएंगे टू से और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो वही वाली वैल्यूज हमें प्रिंट करके दे दो। और यहां लास्ट में हमें लगाना है प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट लगाने के बाद यहां पे जो नेम हमने दिया था वो हमें दे देना होगा इसी के अंदर, ओके। बस इतना ही करना है और अब इसको करना है यहां से सेव, तो यहां से इसको सेव कर लेता हूं। पहले से टी डॉट पी वाई के नाम से हमने सेव किया है, टी डॉट पी वाई, ठीक है। अब इसको रन करवाने की बारी है, तो इसको रन भी हमने करवा लिया। तो यहां पे देख सकते हैं हर दो नंबर वाला नाम प्रिंट होकर आ रहा है। देखिए यहां पर पहला नाम राज था, दूसरा नाम राजू, ठीक है, फिर तीसरा नाम रमेश श्याम था, चौथा नाम रमेश, तो रमेश प्रिंट होकर आ रहा है, फिर पांचवा नाम सीता, छठवा नाम गौरव, ठीक है, ये प्रिंट होकर आ रहा है। अगर इसके आगे भी आप कोई और नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर कर देता हूं काजू, ठीक है, और इसी तरह से एक दो नाम और बढ़ा देते हैं, यहां पे आएंगे और यहां पे कर देता हूं राजेश, ये कर दिया हमने और इसको यहां से क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए ये नाम हमने बढ़ा दिया, अब इसको फिर सेव कर लेता हूं और फिर इसको रन पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं राजू श्याम और काजू, ये नाम प्रिंट होकर आ रहे हैं, केवल दो नंबर, यानी कि हर नेम के बाद जो इवन नंबर है वही प्रिंट होकर आ रहा है। देखिए राज है तो फिर राजू, फिर रमेश, फिर गौरव, फिर काजू, इस तरह से नाम ये प्रिंट होकर आएंगे। अगर कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको रेंज नहीं यूज करना है, अब देखिए मैंने रेंज नहीं यूज किया है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसी चीज को इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए जानते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इन सबको कॉमेंट कर देता हूं, यहां से मैं कॉमेंट कर देता हूं सबको, तो ये केवल हैश साइन लगा देने से ये कॉमेंट हो जाता है, मैं इस बात को पहले भी बता चुका हूं। हम यहां पे इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करेंगे, इन्यूमरेट का यूज करेंगे, तो चलिए ये देखते हैं कि इन्यूमरेट कैसे काम करेगा हमारा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहां पे वापस से फॉर लगाना है, फॉर लूप लगाना है, तो यहां फॉर लगा लिया, सॉरी
यहां पे नहीं बल्कि यहां पे हम फॉर लगाएंगे। तो यहां पे फॉर लूप लगाते हैं और एक वेरिएबल हमें आई बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आई लिखा हमने और फिर यहां दिया कॉमा और एक नेम जो बनाया था हमने वो भी ले लिया, ठीक है। और फिर यहां पर इन और अब इन्यूमरेट इन्यूमरेट ओके, तो इन्यूमरेट कर दिया हमने यहां पे। और इन्यूमरेट करने के बाद जो वेरिएबल हमने बनाया है ए नाम से उसको ले लिया और इस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज और यहां लगा दिया कॉलन, ओके। अब जब जैसे ही यहां पर आएंगे तो यहां पर इफ की कंडीशन देनी पड़ेगी हमको, तो यहां लिखा इफ, ठीक है। और फिर आई प्लस वन, ये आई प्लस वन कर दिया। और अब यहां पर क्या करेंगे, आई प्लस वन करने के बाद यहां पर इसको मॉडुलस करवाएंगे टू से और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो प्रिंट कर दीजिए। क्या यहां पे लिखता हूं प्रिंट नेम को प्रिंट कर दीजिए, जो वेरिएबल हमने बनाया था नेम उसी को आप कर दीजिए प्रिंट। बस नहीं लगाया हमने, ये कॉलन लगा दिया। अब इसको सेव कर लेता हूं और अब इसको रन करता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं राजू रमेश गौरव और काजू सिर्फ वही नाम प्रिंट होकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये इन्यूमरेट फंक्शन इस तरह से काम करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस तो है इसमें, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि आप सोचेंगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ेगी हमको, तो जब बड़े बड़े प्रोग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, मशीन लर्निंग के प्रोग्राम बनाए या इस तरह की चीजें आप करेंगे तो उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी, या कोई गेम बना रहे हो आप तो उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और उस समय इसका यूज समझ में आएगा। तो ये इन्यूमरेट फंक्शन था। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।